इसराइल पर ईरान एक बार फिर से हमला कर सकता है। क्या ईरान की तरफ से इसराइल को ये चेतावनी है कि अगर एक बार फिर से ईरान के नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए तो इसका वो मुंहतोड़ जवाब देंगे? क्या कल देर रात किए गए हमले का इसराइल फिर से बदला लेगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह संगठन के खिलाफ इसराइल लगातार हमले कर रहा था, और हाल ही में कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह साथ ही उसकी बेटी जैनब को मार दिया गया। दरअसल जानकारी मिल गई थी इसराइल को कि हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, और इस दौरान सभी लोग मौके पर मौजूद हैं जिसको निशाना बनाए जाने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा था। और जैसे ही मौका मिला इजराइल तुरंत यहां पर मिसाइलें दाग दी, और इसके बाद वहां पर मौके पर मौजूद हिजबुल्लाह संगठन के एक एक व्यक्ति को मार दिया गया। आपको बता दें कि ईरान बहुत ज्यादा भड़का हुआ क्यों था। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद, नसरल्लाह की बेटी जैनब की मौत के बाद भी लगातार इसराइल हमला करता रहा, और इस हमले के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, और यही कारण है कि ईरान बहुत ज्यादा नाराज हुआ और अपने सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों को बुलाया गया बैठक में, और इस हमले की तैयारी की गई जो कल देर रात किया गया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इसराइल पहले से तैयार था, इसराइल को यह पता था कि इसका जवाब ईरान जरूर देगा, और यही कारण है कि ये क्षमता जितनी मिसाइलों की हो सकती है, कहां तक मिसाइलों से अटैक किया जा सकता है, उस इलाके को इसराइल ने पहले से ही खाली करवा लिया था। लोगों को सुरक्षित स्थान भेज दिया गया था, जो बंकर होते हैं वहां पर छुपा दिया गया था, क्योंकि पहले से ही मालूम था कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले से ही सारी डिफेंस को अलर्ट कर दिया था। देर रात जो मिसाइलें दागी गई थी उनमें से ज्यादातर को तो आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन जो मिसाइलें जमीन पर गिरी भी उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है इसराइल को, और ना ही कोई जानमाल का नुकसान हुआ है, कुछ जख्मी हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। अब ईरान का ये कहना है कि अगर इस हमले का जवाब इसराइल देता है, जो कि देने वाला है, कह चुका है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, इस हमले का जवाब अगर इसराइल देता है तो एक बार फिर से ईरान के नागरिकों की सुरक्षा के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान पूरी तरीके से तैयार है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कि अगर नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है लड़ाई करने के लिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसराइल को समर्थन दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। बाइडेन ने साफ कहा है कि जो सैन्य शक्तियां हैं वो तो दी ही जाएंगी, तकनीकी संसाधन जो लगेंगे, जो संयंत्र लगेंगे वो भी दिए जाएंगे और पूरी मदद की जाएगी। हालांकि बहुत लंबे समय से ये भी कोशिश हो रही है कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम हो, युद्ध रुक जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ये विवाद खत्म होगा। हालांकि नजर तो नहीं आ रहा कि विवाद खत्म होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर ईरान ने किए गए हमलों का जवाब दिया है, अब इसके जवाब में इसराइल तैयारी कर रहा है। ईरान ने पहले ही कह दिया कि अगर इसका जवाब इसराइल देता है तो वो फिर से हमला करेंगे। इसमें आम लोगों का जीवन दांव पर लग जाता है, बहुत बड़ा नुकसान उस तबके को होता है जो जिसकी कोई गलती ही नहीं है, जिसका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन होता है वार्तालाप करके किसी भी बातचीत को खत्म करना, किसी भी विवाद को शांत करना, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आप ये देखिए कि दोनों ही देश अब अपनी सैन्य शक्तियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार हैं, मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और जब ये हमला देर रात किया जा रहा था उस वक्त की तो तस्वीरें आप सामने जो देख पाएंगी टीवी स्क्रीन पर अपने न्यूज 18 के माध्यम से, उनमें आप देखेंगे कि लगातार मिसाइलें आ रही हैं और डिफेंस सिस्टम उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो मिसाइलें गिरी भी हैं इसराइल में वो बहुत ज्यादा नुकसान उनसे हुआ नहीं है। अब देखना यही है कि कब तक ये पूरा विवाद खत्म हो पाता है, कैसे, क्या अब इसराइल एक बार फिर से हमला करेगा। हालांकि हिजबुल्लाह का जो संगठन है वो तो खत्म कर चुका है इसराइल, लेकिन अभी भी जो हमले किए गए हैं इसका जवाब देने के लिए इसराइल तैयारी कर रहा है।
आने वाले समय में कुछ और भी भयंकर तस्वीरें सामने आ सकती हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि दोनों ही देश समझौते कर ले। समझौता सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा ताकि आम जन का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। इसमें आम जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। हालांकि इसराइल की तरफ से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा को बनाए रखने के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा किसी को भी जो उनके देश की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। हिजबुल्ला संगठन भले खत्म हो चुका है, लेकिन इसराइल का यह भी कहना है कि अगर एक व्यक्ति भी उस संगठन में बच जाता है तो वो बहुत ही आसानी से हिजबुल्ला संगठन को एक बार फिर से मजबूत कर लेगा और हमला करने की कोशिश करेगा। और यही कारण है कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, इसराइल की तरफ से कहा गया था पहले ही, लेकिन अब ईरान भी खड़ा हो चुका है लड़ाई करने के लिए। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है, क्या दोनों देशों के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, ये क्या रूप लेता है। आपकी इस हमले को लेकर क्या राय है जरूर साझा करिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ। नमस्कार।